उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक हादसे को लेकर अब एक एक करके आपबीती सामने आ रही है, जहां पर ट्रैक करने गए एक गाइड ने खुद आपबीती बताई है। ट्रैकर ने बताया कि ट्रैक पर गए सभी ट्रैकर स्वस्थ थे, लेकिन फिर अचानक से मौसम बदल गया, तेज बारिश होने लगी और आंधी तूफान भी शुरू हो गई। इस बीच घने कोहरे के साथ पहले से जमी बर्फ के बीच से निकलना काफी मुश्किल हो गया। ज्यादा ठंड से जैसे ही एक ट्रैकर की मौत हुई तो कई अन्य दहशत में आ गए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। ट्रैक पर गए गाइड राजेश ने बताया कि 22 सदस्य ट्रैकिंग दल ने बीते 3 जून को दोपहर करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित सहस्त्रताल का आरोहण कर लिया था। सफल आरोहण के बाद वापसी में दल बेस कैंप से करीब 3 किलोमीटर पहले, लेकिन अचानक से हालात बदलने लग गए। अचानक से वहां पर तेज बारिश और आंधी तूफान आ गए। घने कोहरे के साथ पहले से ही जमी बर्फ के बीच निकलना ट्रैकर्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इस बीच ज्यादा ठंड के चलते एक ट्रैकर ने दम तोड़ दिया, जिसको देखकर अन्य साथी भी डर गए और 4 अन्य ट्रैकर की भी इसी डर से मौत हो गई। इस दौरान हालात ऐसे थे कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और अचानक स्थितियां विपरीत होती चली गई। गाइड राजेश ने बताया कि घटना के बाद वो करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर आया और उसने ट्रैकिंग एजेंसी और साथी एसोसिएशन को इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि सहस्त्रताल हादसे में 9 ट्रैकरों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं जानकारी मिलने पर प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद 13 ट्रैकरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, तो वहीं इनमें से 11 को एयरलिफ्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजमार्ग।